बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शब्बीर चौधरी की तरफ से प्रोग्राम आवाज़ में आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब, जिनका तल्लुक पाकिस्तान से है। इनका एरिया ऑफ स्पेशलिज्म जो है ना, काफ़ी वसी है। केपी के से इनका तल्लुक है, लेकिन टेररिज्म पर भी इनको काफ़ी बुरा असर है, इकनॉमिक्स पर भी काफ़ी बुरा असर है, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस और जियो पोलिटिकल सिचुएशन के काफ़ी इनके पास एक्सपीरियंस है। तो एजाज प्राचा साहब, वेलकम टू माई शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा प्राचा साहब, इसमें आपको तकलीफ इसलिए दी है, हालांकि आपके साथ मैंने बात की थी कि ठहर कर शाम को कोई बात करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है उसमें एकदम इजाफा हो गया। अब ये जरूर कहेंगे आप, तो ये कहेंगे कि मैंने कहा था 8-10 दिन पहले कहा था कि हो गया, लेकिन ये आखिर क्या वजूहत क्या है इसकी, ये क्यों इतना अचानक इजाफा हो गया? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी आपने कहा था और इसमें कोई शक नहीं है, रिकॉर्ड पे मौजूद है कि 2 हफ्ते पहले आपने कहा था कि बहुत तेजी से हालात बदलने वाले हैं और देखो क्या ड्रामेटिक चेंजेस आएंगी। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, वो रिकॉर्ड पे है जो आपने कहा था, तो उसे आप इनकार नहीं कर सकते। बहरहाल आते हैं इसकी तरफ के। मैंने अपना तजिया किया था, उसके मुताबिक कहा था कि यानी बहुत तेजी से तब्दीली पाकिस्तान में आएगी, उसमें तो ये भी था कि सियासी तौर पर भी, अदरवाइज भी, इकोनॉमिक सिचुएशन भी बदलेगी, पॉलिटिकल सिचुएशन भी बदलेगी, और जो टेररिज्म है, मैंने लफ्ज़ टेररिज्म का इस्तेमाल नहीं किया था, या किया था मुझे याद नहीं है, लेकिन बदलेगी क्योंकि आसार नजर आ रहे थे। जी जी बिल्कुल। अच्छा तो डॉक्टर साहब, जो टेररिज्म की अभी जो नई लहर पाकिस्तान में चली है, तो मुमकिन है आप इसको टेररिज्म कहते हैं और हो सकता है ये टेररिज्म हो भी, लेकिन अगर आप देखें तो इसका दावा जो जो लाहौर में वाकयात हुए या जो अभी मतलब क्वेटा वगैरह में हो रहे हैं, तो वो तो सेपरेटिस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको। जो अलहदगी पसंद है, बलोच अलहदगी पसंद है, वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अब डिपेंड करता है कि क्या आप उनको टेररिस्ट समझते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर चलो लेट्स डिफाइन दिस इस तरीके से। अब मुझसे आप तो ये भी यानी कि समझ नहीं आती कि किसको शहीद बोला जाए, किसको दहशतगर्द कहा जाए। ये जब जब तो गवर्नमेंट की तरफ से आता है, वो कहते हैं कि इतने जो है ना हलाक हो गए और जन्म में चले गए। अब मेरा जो ख्याल है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस्लाम की, जन्म में कौन जाएगा कौन जन्नत में जाएगा, ये फैसला अल्लाह ने करना है, ठीक है जी। अच्छा, अब मसला ये आता है कि जो लोग, थोड़ा लंबा हो जाएगा सवाल मेरा, जो TTP के लोग हैं वो कहते हैं कि हम इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं, इस्लामी रियासत कायम करना चाहते हैं, तो क्या दूसरे लफ्जों में जो जो तंजीम रियासत में इस्लाम का कानून लाना चाहती है, क्या हम उसको दहशतगर्द कहेंगे? अब डॉक्टर साहब देखिए, होना तो ये चाहिए ना कि इसमें 2 बातें हैं। पहली बात यह कि अगर हुकूमत बकौल उनके वो रियासत मदीना का दावा करती है और TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी इस्लामी रियासत का दावा करते हैं, तो अगर ये दोनों अपने दावे में सच्चे हैं तो इनको तो बैठ के अव्वल तो इस्लाम की वजाहत करनी चाहिए कि कौन सा इस्लाम, क्योंकि अगर वो अपने अपने ऐनक से अपने अपने एंगल से देख रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन अगर वो एक ही इस्लाम के पैरोकार हैं तो उनको तो एक टेबल पे बैठना चाहिए और बात करनी चाहिए, और हुकूमत को तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि रियासत मदीना का दावा वो करते हैं तो उनके हम ख्याल यहाँ मौजूद हैं और उनसे वो बात करें और उनसे मामला सेटल करें। मतलब है कि ये मेरा मशवरा या तजवीज नहीं है, लेकिन एक कॉमन सेंस बनता है कि भाई ऐसा होना चाहिए कि दोनों ही दावेदार हैं, ये तो पार्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट हो गया, तो इस पे तो दोनों को बैठना चाहिए और बात करनी चाहिए, जबकि वैसा नहीं हो रहा। शॉर्ट टर्म के एग्रीमेंट होते हैं, उस पे फिर क्या कहते हैं उसको, सीज फायर हो जाती है और सीज फायर के बाद फिर वो वायलेशन हो जाती है सीज फायर की, फिर शुरू सिलसिला शुरू हो जाता है। प्राचा साहब, यहाँ पर इसमें बात थोड़ी सी ये आती है ना कि अब यानी रियासत मदीना कहें या ना कहें, रियासत मदीना कह कर बेसिकली आप जो असल में रियासत मदीना सी उसकी तोहिन कर रहे हैं, ठीक है जी। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं जो ये जो लोग कह रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि अगर ये वाकई रियासत मदीना या इस्लाम का नफाज चाहते हैं, तो 74 साल में ये क्या करते आए हैं? पाकिस्तान का जो पहला वजीर कानून था वो एक मुसलमान नहीं था, ठीक है, वो एक हिंदू था। अगर रियासत मदीना कायम करना चाहते थे या इस्लाम का नफाज चाहते थे, तो क्या इसका वजीर कानून कौन होना चाहिए था? कोई मुफ्ती आजम होना चाहिए था, बहुत बड़ा कोई इस्लाम स्कॉलर होना चाहिए था। तो दूसरे लफ्जों में इस्लाम के नाम पर ये तो फरार किया जा रहा है 1947 से।
तो इस लिहाज से टी टी पी वालों को ये कहा जाएगा आपको मुद्दे साथ बैठे, कैसे बैठेंगे वो फिर? डॉक्टर साहब आप इसको शायद फ्राड समझते हो, मैं तो इसको फ्राड नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ इनसे वजाहत पूछनी चाहिए कि कौन सा रियासत मदीना, इस्लाम से पहले वाला या इस्लाम के बाद वाला, क्योंकि इस्लाम वाला रियासत मदीना की तरफ तो नहीं जा रहे। या तो वो इस्लाम से पहले का जो रियासत मदीना था जहाँ पे जो जुल्म सितम का बाजार गर्म था, जो इंसानियत की तस्दील तोहीन की जाती थी, इस्लाम से पहले का उसको मदीना नहीं कहते थे, यसरब कहते थे। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब उस तफसील में नहीं जाते। मदीना का अरबी के मतलब शहर है, तो शहर हर एक शहर कोई भी शहर हो सकता है। चले तो यसरब उसका नाम था, अपना नाम यसरब था। चले ये बात सही है। ऐसा कह रहे थे कि जो आप ये मुझे बताएं कि ये हमारे सुनने वालों को ये बताएं कि ये जो लहर आई है दहशत गर्दी की, आपने इसको कहा कि कुछ लोग अलादगी पसंद हैं, यानी बलोचों का आपने जिक्र किया। अगर बलोचों की देखा जाए तो जो लोग अपने जाती के लिए जंग करते हैं क्या उनको दहशतगर्द कहा जाना चाहिए? जो इस्लाम का नफाज चाहते हैं क्या उनको दहशतगर्द कहना चाहिए? अब दहशतगर्द है कौन है? देखिए डॉक्टर साहब जो मौजूदा निज़ाम है वो निज़ाम तो वो पुराना निज़ाम चला आ रहा है। जब 1857 की आज़ादी को जंगी आज़ादी थी, 1857 की जंगी आज़ादी थी, तो उसको अंग्रेजों के हिमायती या इस्तेमारियों की हिमायती उसको गदर कहते थे। गदर मीन्स गद्दारी। अब एक आदमी जो बाहर से आया है, कब्जा किया उसने एक मुल्क पे, और वो बताता है कि जो लोग जिद्दोजहद करें आज़ादी की वहाँ मकामी लोग वो गद्दार हैं। तो ये चीज़ तो इनको वर्से में मिली है कि जो भी अपनी आज़ादी की बात करेगा वो गद्दार होगा। यानी जो कि काबिज है, जो बाहर से आया है, उसको तो मकामी लोगों को गद्दार कहने का हक नहीं है। वो तो जमीन से वफादारी के लिए आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। तो अब मौजूदा सूरत हाल में भी तकरीबन इसी तरह की सूरत हाल चल रही है कि बलोच आज़ादी चाह रहे हैं, उनके कंसर्न्स हैं। आप और ये हर 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 किसी को पता है। आप इसका अंदाजा इससे लगाएं कि देखें पाकिस्तान के बाकी 3 सूबे हैं, आप 3 सूबों में सर्वे करवाएं, तालीमी किताबें देखें, किसी जगह देखें कि किसी को भी अगर बलूचिस्तान के 5 शहरों के नाम आते हो, कोई से 5 शहरों के नाम तक नहीं आते। इसका मतलब यह है कि उसको इतना पीछे रखा हुआ है और इतना 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 दबा के रखा हुआ है कि उनके मुतालिक किसी को पता ही नहीं चलता। और उनके जो वसाइल हैं उसके ऊपर जो लूट मार जारी है वो अपनी जगह पे है। जैसे मैं आपको बताऊं, रेकोडेक और सैंडेक जो एग्रीमेंट हुए, वहां पे जो सोने की काने थी, अब देखें कि किन्होंने एग्रीमेंट किया और किस बुनियाद पे किया, वो आपके इलम में होगा। वहां पे जो गैस है जो कि पूरी पाकिस्तान के लोगों के घरों के न सिर्फ चूल्हे जलाती है बल्कि वहां की इंडस्ट्री का पहिया भी घुमाती है, और खुद बलोचों के चूल्हे बुझे हुए हैं, उनके किचन के चूल्हे बंद हैं जलने से, वो तालीम से महरूम हैं, उनको बिजली नहीं है, उनको उनको बल्कि गैस तक नहीं है। जहां से गैस निकलती है, सुई गैस जो कहा जाता है, सुई तो एक पॉइंट है बलूचिस्तान में जहां से गैस पहली बार निकली थी, तो उसी वजह से इसको सुई गैस कहा जाता है, नेचुरल गैस को। तो वहां पे गैस अभी रिसेंटली दी गई, कुछ ही अर्सा हुआ। तो मकसद कहने का यह है कि उनके वसाइल की लूट मार है ना सिर्फ यह है, बल्कि अगर आप देखें कि अभी जो जो फिशरीज हैं उनकी उनकी जो फिशिंग है उसके ऊपर गवादर वाले साइड पे देखें तो चाइनीज ट्रॉलर वहां पे चल रहे हैं और वो फिशिंग कर रहे हैं, वहां से लूट मार हो रही है। आप देखें डॉक्टर साहब, दुनिया में 70% जो है तो लोग सी फूड खाते हैं, 70% लोग। पाकिस्तान में तो मतलब उनको तो गंदम मिल जाए ये भी बड़ी बात है, वो अपनी अपनी तवानाई अपनी जीने के लिए सिर्फ चीनी इस्तेमाल करते थे, वो भी उनके ऊपर बंद कर दी गई, तंग कर दी गई। तो 70% लोग सी फूड इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा बॉर्डर है, ये समंदर है, तो होना ये चाहिए कि वहां पे फिशिंग की सहूलतें बलोचों की जो है तो वो उनको देनी चाहिए, जो कराची का ऐसा वो उनको मिलना चाहिए। तो वहां पे वो जो चाइनीज आए हैं गवादर के ऊपर, तो वो उनके ट्रॉलर्स वहां पे जाते हैं और वो सारी सफाया कर रहे हैं वहां पे। अभी पिछले दिनों वहां पे भी एहतजाज हुआ था उसी बात पे। मैं असल में आता हूँ इसी तरफ, ये दहशतगर्दी के हवाले से कि ये क्यों इतनी तेजी से तब्दील हुई। सबसे पहले 2 वजूहात हैं इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 1 जो है तो वो है अफगानिस्तान में बलोच तालिबान गवर्नमेंट का आ जाना, अफगानिस्तान में तालिबान का इख्तदार में आना। एक बार इससे उनको तकवीत मिली, बलोच मूवमेंट्स को तकवीत मिली। वहां पे 2 पार्टियां अभी मर्ज हुई हैं, बलोचिस्तान नेशनल आर्मी ऐसे कुछ है, और 2 मुझे भी नाम एग्जैक्टली याद नहीं, 2 ताकतें इकट्ठी हुई, और बुकटी और मरी जिनकी दुश्मनियां चली आ रही थी सदियों से, वो अब एक प्लेटफॉर्म में हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तालिबान का दोबारा ताकत में आना देख के हुआ है, एक बात। दूसरी बात यह हुई है कि जो
आपको पता होगा पिछले दिनों बलूचिस्तान में एक मुहिम चली, बलूचिस्तान को हक दो, ऐसे कोई नाम था उसका, जो कि सोलली प्राइवेट लोगों ने चलाई, जिसमें कोई पॉलिटिकल या कुछ टेररिज्म या कुछ सेपरेटिस्ट का चक्कर नहीं था। वो मकामी लोग थे और उन्होंने 30,000 लोग निकले उस जलसों में, और वो चूंकि मीडिया ने उनको कवरेज नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी उनकी, तो लोगों को नहीं पता चल सका। तो उन्होंने अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद की। उसमें मछेरे थे जो फिशिंग के लिए चाइनीज की वजह से वो उनका और दूसरी के जगह जगह चेक पोस्ट थी, उनका मुतालबा था ये चेक पोस्ट जो गैर जरूरी चेक पोस्ट है वो हटाई जाए, हमें मतलब उनको आमद रफ्त में सब मसाइल बनते हैं। उनका दूसरा एक था कि तालीम का हक दिया जाए, उनको बिजली मुहैया की जाए, इस किस्म के मामले थे। तो जो बलोच तहरीक है उनको इन दो चीजों से बड़ी स्ट्रेंथ मिली। एक, उनको पता चला कि ऐसी तहरीक पैदा हुई बलूचिस्तान को हक दो कि जो न सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है बल्कि वो तो सेपरेटिस्ट भी नहीं है, वो तो वहां पे रहते हुए अपना हक मांग रहे हैं। और उन्होंने इतना बड़ा मजमा इकट्ठा किया और महीनों तक चली वो तहरीक वहां पे, जो ये पीडीएम से बहुत बड़ा जलसा था उनका। तो ये इससे एक तकवीत उनको मिली कि उनके लिए एक सपोर्ट हो सकती है वहां पे। और दूसरे कि तालिबान को इख्तदार में आते देख के उनको ये वो क्या कहते हैं उसको ज्यादा वो एक्टिवेट हो गए। दो बातें हो गई, मतलब ये कहने का जो आपने बातें की हैं, नजर तो ये आता है कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनके साथ नाइंसाफी हुई है, वो इंसाफ चाहते हैं, अपने फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनका मुतालबा कर रहे हैं। और नज़र ये आता है कि रियासत पाकिस्तान में फंडामेंटल जो हकूक मांगता है उस पर गद्दारी का लेबर से इस्तेमाल किया जाता है और उनको मारा जाता है, क्योंकि हम तो वहाँ खुद भी भूल चुके हैं इसको। तो फिर दूसरे लफ्जों में उनको तो जेन्युइन यानी कुछ डिमांड्स हैं जिनको पूरा नहीं किया जा रहा। फिर लेकिन ये भी क्यों कहा जाता है कि अभी आपके स्मार्ट वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया है कि दहशतगर्दी को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। तो क्या दो चीज़ें, यानी क्या उनके पास कैपेबिलिटी है कि सफाई हस्ती से मिटा दें जिस सिनारियों में आपने बात की है? फिर यह है कि ये किन को मिटाना चाहते हैं? क्या बलोचों को मिटाना चाहते हैं, उन लोगों को, या TTP के लोगों को जो सलाम नाफज करना चाहते हैं, दावत उनको चाहिए, या उन लोगों को जो कहते हैं कि हमें स्कूल चाहिए, जो कहते हैं कि हमें जीने का हक दिया जाए, साफ पानी दिया जाए, उनको मारना चाहते हैं, किसको मिटाना चाहते हैं ये? डॉक्टर साहब ये चीज अनक्लियर है, ये तो बयानात की हद तक बात है ना। अब अगर ये मैसेज तो ना तो आवाम के लिए है और ना खुद वो उस पर क्लियर है, उनको नहीं पता कि वो ये बात क्या कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। अगर उनको पता होता तो पहले तो वो दहशतगर्दी की तारीफ करें कि दहशतगर्दी किसको कहते हैं। तो वो दहशतगर्दी को पहले हुकूक की जंग, सेपरेटिज्म की जंग और सोलरी टेररिज्म को अलग अलग करेंगे, डिफाइन करेंगे तो फिर पता चलेगा, जबकि ये होता नहीं है। अब आप देखें कि लोगों को बुला लिया जाता है, पहाड़ों से भी नीचे बुलाया जाता है, कुरान पे कस्में उठा के, फिर भी उनके साथ कुरान के ऊपर हल्फ उठाने के बाद भी उनके साथ ज्यादती की जाती है, कस्में तोड़ी जाती है। की बात कर रहे हैं जब उन्होंने कहा था कि हम आपको हुकूक देंगे और कुरान पर उन्होंने हल्फ लिया, उनको वादा किया आप नीचे आ जाएं पहाड़ों से, बजाय इसके कि उनको हुकूक देने के उनको फांसी दे दी गई थी, वही पुरानी बात कर रहे हैं आप। मैं बिल्कुल तारीख की बात कर रहा हूँ कि देखें माजी में जो हुआ, तो अब किसी पे देखें डॉक्टर साहब, आप किसी पे कब तक एतबार करेंगे, किसी की कस्मों पे वादों पे कब तक एतबार करेंगे, जबकि वो मुस्तकिलन अपने वादा खिलाफी अहद शिकनी करता चला रहा हो, और ना सिर्फ वादा खिलाफी अहद शिकनी कर रहा हो बल्कि आपके हकूक के ऊपर वो काबिज भी हो, आपके हक पे भी उसने कब्जा जमाया हो और आपको अपने हकूक भी इस्तेमाल नहीं करने दे रहा हो। डॉक्टर साहब अगर आप रिकॉर्ड देखें ना, मैंने जो आपको गोल्ड माइंस की बात की, रिकॉर्ड एक सेंडिक बलूच माइंस की, गोल्ड माइंस की, आप पीछे जाएं तो आप देखेंगे तो उसका एग्रीमेंट क्या हुआ था। उसका एग्रीमेंट हुआ था चिली की एक कंपनी के साथ कि उन्होंने वहां से गोल्ड निकालना है, उसको एक्सट्रैक्ट, उसको साफ करना है, उसको सोने को अलग करना है खाम सोने से, ठीक है। और उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ सिर्फ $100 के एक पेपर के ऊपर, डॉक्यूमेंट $100 का, बिलियंस का सोना सिर्फ $100 पे साइन हुआ। और उसकी एक शरायत क्या थी, मैं छोटी सी आपको बताऊं, उसमें शरायत ये थी कि सोना पाकिस्तान का होगा, बलूचिस्तान का होगा, और उसको वो साफ करेंगे, जो खर्चा आएगा इन्वेस्टमेंट में 25% चिली खर्च करेगा, 75% पाकिस्तान करेगा, और
जो सोना निकलेगा उसकी अमाउंट में से 75% चिली को जाएगा और 25% पाकिस्तान को जाएगा, अपोजिट। और दिलचस्प तरीन बात यह है कि वो सोना यहाँ साफ नहीं होगा, वो चिली जाके साफ होगा था। तो आप सोचें डॉक्टर साहब, ये जो लूट मार वसाइल की बची हुई है जिसके ऊपर किक बैक लिए जाते हैं और इस किस्म में एग्रीमेंट किए जाते हैं और माल मुफ्त दिले बरहन जिसको कहते हैं, माल किसी का है और उस पर लूट मार किसी ने मचाई हुई है। इसी तरह गवादर की अगर मैं आपको बात बताऊं डॉक्टर साहब, देखिए BRI वो इशू है जिसकी वजह से दुनिया इस वक्त जंग के दहाने पे है। BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है, तो चाइना उसके जरिए पूरी दुनिया में अपनी अपनी प्रोडक्ट्स को फैलाना चाह रहा है और दुनिया के ऊपर छाना चाह रहा है और दुनिया को ये मंजूर नहीं है। अब उस BRI का 40% CPEC है, CPEC उसी का एक पार्ट है, 40% है, 60% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो उधर से जाएगा, 40% जो होगी वो CPEC से जाएगी। इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगाएं CPEC का। फिर 40% में से 60% फर्दर 60% ऑफ द 40% वो जो है वो गवादर है। और गवादर के लोगों को क्या मिल रहा है उसके बदले में और उनके हकूक का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है? तो डॉक्टर साहब, ये कोई भी अकलमंद दानश्वर या मतलब समझदार समझबूझ रखने वाले लोग कोई भी ऐसे डिसीजन नहीं करते, जिस किश्ती में बैठते हैं उसी में छेद नहीं करते। लेकिन यार का आपने जिक्र किया, CPEC का आपने जिक्र किया, इस पर मेरी भी कुछ स्टडी है, मैं CPEC पर 2 किताब में लिख चुका हूँ, तीसरी लिख रहा हूँ। तो डेटा जो आपने दिया उसमें थोड़ा सा है, बहरहाल मतलब जो BRI टोटल उसका BRI है उसका टोटल जो खर्चा है वो एक 900 बिलियन से ज्यादा है, ठीक है जी। और उसमें जो अब ये देखें सॉरी 900 बिलियन से ज्यादा है, 900 बिलियन से ज्यादा है। और जो CPEC है ये तो पहले 46 से शुरू हुआ था, अभी 60 बिलियन पर गया है। तो उस तरह से फिगर्स जो है ना कुछ आगे पीछे हैं, बट एनीवे अब मैं ये कह सकता हूँ कि आपसे अग्री करता हूँ कि CPEC इज वेरी इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ BRI। अच्छा उसको इसमें एक मिनट जरा मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। देखिए जो मैंने वर्थ नहीं बताई, मैंने उसका शेयर बताया है कि अगर BRI सपोज 100 है, टोटल BRI 100 है। प्रोफेसर साहब ये प्रोग्राम का बन जाएगा, जो पहले भी आपने थोड़ा काफी ग्वादर पर भी ले आए थे, तो ये CPEC पर भी आ गया, इस पर अलग प्रोग्राम करेंगे किसी दिन। इस वक्त मैं ये पूछना ये आपसे चाहता था कि ये जो दहशतगर्दी कह रहे हैं आमतौर पर ये कहते हैं कि खत्म कर देंगे, और अभी भी वो कह रहे हैं कि ये कौन करा रहा है, इंडिया करा रहा है, उनका इजी टारगेट है, या कभी कह देते हैं कि अफगानिस्तान करा रहा है। तो आप इसको पर क्या कहते हैं कि क्या ये लोकल जो बलोच हैं या TTP वाले हैं या कोई और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं ना जिसका हमें पता नहीं है, तो ये क्या ये डाइवर्ट करते हैं टेंशन या कुछ जेन्युइन इसमें है, कोई बाहर से दखलंदाजी हो रही है? देखिए डॉक्टर साहब, अपना घर सीधा रखना चाहिए, तो बाहर से कोई दरअंदाजी नहीं कर सकता। ये बात तो बाजवा साहब भी कह चुके हैं, गवर्नमेंट भी कहती आई है, पॉलिसी मतलब उनकी पॉलिसी, उनकी जो स्टेटमेंट होती है वो एक पॉलिसी स्टेटमेंट होती है, लेकिन उस पर अमल दरामद होता नजर नहीं आता। आपने बांग्लादेश में भी इल्जाम यही लगाए थे कि इंडिया कर रहा है, इंडिया कर रहा है। डॉक्टर साहब, अगर इंडिया ने बांग्लादेश में करना होता तो वो 1971 में नहीं करता, वो 65 में, उसके लिए 1965 में बहुत चांस था कि वो कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। अगर आप देखें ना, तो बात कहने की ये है जो आप कहते हैं बाहर से कोई कर रहा है, तो बाहर से किसी को करने की क्या पड़ी है? ये मैं नहीं कह रहा, सारी दुनिया तो हमारी तरह से आपकी गवर्नमेंट कहती है, मैं तो सिर्फ सवाल कर रहा हूँ जो वो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा ये, ठीक। तो अच्छा, सारी दुनिया तो जी लेट्स मूव ऑन। अच्छा ये आप कह रहे हैं कि ये तो इल्जाम तराशी है, ठीक है जी। अच्छा अब देखिए एक बात ये होती है, क्योंकि हमने कहा था कि लंबा प्रोग्राम नहीं करेंगे, तो अभी देखिए आपके सेनेटर ने जो स्टेट बैंक के वाले से जो बिल था, हालांकि यानी सेनेट में अक्सरियत जो है अपोजिशन की है, लेकिन बिल फिर भी पास हो गया, इसकी क्या वजह है? देखिए डॉक्टर साहब, मसलहतें होती हैं, हिकमतें। मैं समझता हूँ कि दबाव भी होता है, मतलब दबाव के यानी मसलहत के नीचे सब कुछ आ जाता है। अगर कोई आपसे प्रेशर के जरिए कोई काम करवाता है तो आप यकीनन मसलहत के तहत करते हैं कि प्रेशर आ रहा है, तो जो भी वजह हो तो मसलहतें रस्ते में आती हैं। आप सोचें कि कौन कौन मिसिंग था सेनेट में, गिलानी कौन कौन मिसिंग थी, गिलानी साहब, तो
देखें फिर इम्पोर्टेंट जो 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 एलिमेंट है वो मिसिंग हो तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट क्या निकलेगा और क्या होगा। वैसे ओपोजिशन लीडर है अब्दुल, मैं आपको बता रहा हूँ, देखें डॉक्टर साहब कि अगर इतने इम्पोर्टेंट इश्यू पे ऐसे लोग नहीं होंगे तो 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 ये दूसरों को चांस देना होता है ना कि चलो इसको आप करवा लें। टाइम कम रह गया इसमें, ये ने सुना है कि कुछ ये जिसको कहते हैं ना एस्टैब्लिशमेंट, उनका भी मुतालबा था कि यार इसको पास होने दें, इसलिए कि IMF की ये शर्त है, इन दूसरे लफ्ज में ये सोर्स आउट किया जा रहा स्टेट बैंक को, तो वरना पैसे नहीं मिलेंगे, तो इसमें क्या आप इम्प्लीकेशंस क्या है इसकी? तो डॉक्टर साहब मैंने जो आपको प्रेशर की बात की वह यही है कि एस्टेब्लिशमेंट को तो अपना रोल करना चाहिए, उसको ये मशवरे नहीं देने चाहिए कि आप क्या करें क्या नहीं करें, वो तो पार्लियामेंट का काम है कि वो क्या करें क्या नहीं करें। एस्टेब्लिशमेंट को तो अपना काम निभाना चाहिए। और ये बात ठीक है आपकी, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि स्टेट बैंक का तो ऐसा ही है जैसे कि फाइनेंशियल वायसराय लगा दिया पाकिस्तान के ऊपर, स्टेट बैंक को गोया IMF के पास गिरवी रख दिया आपने, यानी अब तक जो होता है सिर्फ कर्जे लेते आए, और जो वजीर आजम कर्जे लेने को लानत समझता था उसने बड़ी खुशी से वो अपने गले में पहनने के लिए उनके मुश्किल से मुश्किल शरायत, बल्कि ऐसी नामुमकिन शरायत जो आज तक कभी नहीं हुई, वो कबूल कर ली और उसी लाइन पे वो जा रहा है और उससे बढ़ के आगे बढ़ के तो वो वही गंडे और डंडे वाली बात होगी, वो दोनों ही कर रहा है कि कर्जा भी ले रहा है और बड़ी जिल्लत और रसवाई से ले रहा है। ये तो फिर इम्प्लीकेशंस आपने बता दिया कि आएगा, फिर कभी बात करेंगे इस बार। लास्ट सवाल जो है ना मैं करना चाहता हूँ, देखिए अभी पहले बात हुई है कि जो हकूक मांगता है उसको गद्दार कह दिया जाता है या इंडिया का एजेंट कह दिया जाता है, कुछ भी यानी उसकी ज़िंदगी जो है ना अजाब बना दी जाती है। यानी आपका तलक KPK से है, अजमल खट्टक साहब भी KPK थे जब ज़्यादा दौर में, वो भी जब हकूक मांगते मांगते तो वो चले गए आगे पीछे, ठीक है जी, अफगानिस्तान में चले गए तो इल्ज़ाम लगा कि वो गद्दार हो गए हैं, एजेंट हो गए हैं वगैरह वगैरह, और फिर जब वो वापस आए, जब वो आए और जब फोत हो गए तो कहते हैं कि विरासत में उन्होंने बाप दादे का जो घर था कच्चा वही अपने बच्चों को दिया। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या भाई जिनको गद्दार कहा जाता है उनके पास तो विरासत में कच्चे घर होते हैं, और जिनको मोहब्बे पत्र कहा जाता है कि वो अरबपति होते हैं, जजीरे होते हैं, उनके पास फॉरन फंडिंग उनके पास बड़ी होती है। फॉरन फंडिंग से ये भी मुझे याद आ गया, अभी फॉरन फंडिंग के बारे से बात करनी थी, उससे भी आप उसके दोनों को डील कर रहे हैं कि जो फॉरन फंडिंग इमरान खान के जो के सिलसिले में थी उसमें भी कुछ सुना कि चेंजेस आई हैं या न्यू कोई इन्फॉर्मेशन है, तो ये दोनों को प्लीज अगर आप डील कर लें जल्दी से। देखिए डॉक्टर साहब जो आपने अजमल खट्टक की बात की तो उनका उनका गांव हमारे गांव से 6 किलोमीटर के फासले, हमारे शहर से 6 किलोमीटर के फासले पे, 4-5 किलोमीटर के फासले पे, वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो बेचारे बहुत सीधे साधे इंसान थे, अल्लाह उनकी मगफरत करे, और बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन ये है कि उनके ऊपर इल्जाम लगाए गए। इल्जाम किस पे नहीं लगाए गए डॉक्टर साहब? और जो आपने गद्दारी की और इसकी बात की, मैं आपको एक जुमले में अगर इसको मुहावरा कह लें या जुमला कह लें या जो भी कह लें कहावत कह लें कि चोर मचाए शोर। अच्छा अच्छा ठीक, सिंपल होगी, कंक्लूड कर दिया मैंने आपको बता दिया। अब आप देखें डॉक्टर साहब अगर वो गद्दार थे तो मुशर्रफ उसके पास क्या लेने गया था? जनरल मुशर्रफ बतौर सदर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के तौर पे वो अजमल खट्टक के पास क्या लेने गया था और क्या कहने गया था अपने इख्तदार में? तो डॉक्टर साहब ये इन लोगों के अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं जो सेट करते हैं, ये बेसिकली काबिजीन का एक 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 स्ट्रेटजी होती है कि वो इस तरीके से सिस्टम को चलाते हैं। और वो काबिजीन से मतलब ये कहने का भी आप कहते हैं कि KPK पर भी काबज हैं पाकिस्तान वाले, आप ये कह रहे हैं काबिजीन से मतलब ये निकलवाने की इसको बात कर रहे हैं हम KPK यानी जिसको खैबर पख्तूनख्वा क्या कहा जाता है या एक वक्त में सरहद कहा जाता था, तो ये भी मकबूजा है डॉक्टर साहब। वो जो एक 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 साहब हैं यहाँ लंदन में राशिद मुराद उनका नाम है, वो तो पूरे पाकिस्तान को मकबूजा बनाते हैं ना। अच्छा, कि अच्छा, एक ग्रुप अच्छा। एक ग्रुप जो माफिया का कब्जा है पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा, अच्छा। मुख्तलिफ तरह के माफियाज हैं, कुछ को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कुछ का नाम आप नहीं ले सकते, तो मुख्तलिफ माफिया के कब्जे में है पाकिस्तान। पर जलते हैं
बस अच्छा, ये बताएं दे क्विकली, टाइम क्योंकि फिर ज्यादा हो गया है भाई, ये जो फॉरेन फंडिंग केस था इसमें भी कुछ तब्दीलियां आई हैं, अहम तब्दीलियां, इस पर रोशनी डालेंगे क्विकली। देखिए डॉक्टर साहब, फॉरेन फंडिंग का जो चक्कर है वो ये है कि अभी रिसेंटली एक खबर आई है कि एक बंदा है लाहौर का रहने वाला, उसने 2017 में बताया था कि उसको एक ईमेल मिली कि जिसमें लिखा था कि आपको आपकी तरफ से $120 हमें वसूल हुई है पीटीआई को, और आपका बहुत शुक्रिया। तो उसने ईमेल को वापस जवाब दिया कि मैंने तो कभी भी आपको पैसे नहीं भेजे, £120 और फला फला, और पीटीआई को मैंने नहीं भेजे। तो वो अमेरिकन चैप्टर से आए थे, पीटीआई के अमेरिकन चैप्टर से, यानी अमरीकी अमरीकी एजेंट से आए थे पीटीआई की, कि आपने $120 दिया, जबकि उसने एक पैनी भी नहीं दी थी, बल्कि सिरे से वो पाकिस्तान से बाहर गया ही नहीं, अमेरिका तो छोड़े, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं गया, ये ऑन रिकॉर्ड बात मैं बता रहा हूँ आपके मौजूद है। तो उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, बहरहाल फिर उसने कहा कि ये, और ये बताऊं आपको दिलचस्प तरीन बात ये कि ये जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो पीटीआई का चैप्टर है वो फॉरेन फंडिंग का केस खुलने के बाद से एक्टिवेट हुआ है, कोई ऐसे चैप्टर नहीं था, अब वो उन्होंने शुरू किया है। तो सबको ईमेल जानी शुरू हुई। ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जिन्होंने दिलो जान से शौकत खानम को डोनेशन दिया। उस शख्स ने कहा मैंने तो शौकत खानम को डोनेशन दिया था, और वो भी डॉलर्स में नहीं था, वो रुपयों में था, हर महीना में सबके दिल से देता था। वो हैरान रह गया कि इस मेरे इस पैसे को डॉलर में कन्वर्ट करके और मुझे अमरीका में जाहिर करके और पैसे। तो इस तरह से उसने बताया कि डेटाबेस शौकत खानम से लिया गया, जिन लोगों ने डोनेशन दिया था शौकत खानम को, और उनको फर्जी ईमेल भेजी जा रही हैं अच्छा कि आपका डोनेशन आया और बहुत शुक्रिया डॉलर। इसको इस आगे सुनते जाते हुए इस तरह और भी नाम आए, एक आदमी ने उसको कहा गया कि आपके $500 मिल गए पीटीआई को, तो उसने कहा जी मैंने तो पीटीआई को कभी दिए नहीं कुछ, मैं तो यानी शौकत खानम को फंडिंग कर रहा था ज़कात वगैरह का। अब सवाल मेरा यहाँ ये था कि बंदा लाहौर से हो या अमेरिका से हो, अगर वो शौकत खानम को फंडिंग करता है ज़कात के पैसे देता है, तो क्या वो ज़कात के पैसे पीटीआई के जलसों में या धरनों में या तो वहां पर डिस्को चल रहे थे उस पर खर्च हो सकते हैं? डॉक्टर साहब, एक एक लतीफा है पुराना सा, एक बच्चे ने अपनी माँ को कहा कि अम्मी इस भिखारी को खाना ना दे। तो माँ ने पूछा कि क्यों ना दूँ बेटा? तो वो कहने उसने बच्चे ने जवाब दिया कि अम्मी ये अल्लाह के नाम पे बैठ मांग के उधर बैठ के खुद खाता है, अल्लाह को नहीं, अल्लाह के नाम पे नहीं आगे बढ़ाता। तो डॉक्टर साहब बात यह है कि देखें, अब पहली बात तो यह है कि जो शौकत खानम को गया, शौकत खानम के अगर अकाउंट में गया तो वो हक नहीं बनता कि किसी ट्रेडिंग कंपनी में जाए या किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाए, अनलेस के वो शौकत खानम जो है तो वो लिमिटेड बाय गारंटी हो, यानी एक होती है ना, वो तो चैरिटी है ना। शौकत खानम जो है ना देखिए एक अस्पताल है, उस पर लोगों ने अगर फंडिंग दी है तो वो खबर लिमिटेड वो कंपनी हो या जो भी मर्जी हो, मीन मैं चाहे अगर देता हूँ जकात तो मैं चाहता हूँ कि जकात का पैसा गरीब लोगों पर लगे, ये नहीं है कि आप उसको किसी 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 तरीके से हेरा फेरी करके या कोई कोई भी आप उसको तब्दीली करके किसी को एक्स वाई जेड को दे दें कि वो पोलिटिकल एक्टिविटी के लिए खर्च हो, मैं तो नहीं इसको पसंद करूंगा। नहीं, डॉक्टर साहब इसके असल में टेक्निकल ये चीज है, अगर वो शौकत खानम सोलरी चैरिटी है, एनजीओ है, तो वो तो जाएगा सीधा सीधा उसी के ऊपर खर्च होगा वो, अनलेस के आप उसकी गवर्निंग पॉलिसी देखें या उनके आर्टिकल मेमोरेंडम देखें कि उसमें क्या उन्होंने लिखा है कि पॉलिसी कैसे रन करनी है, या दूसरे लफ्जों में उसको अगर वो लिमिटेड बाय गारंटी हो, यानी वो ऐसी कंपनी हो, वो ऐसी चैरिटी हो कि जो इन्वेस्ट भी कर सके, और उसने उसको शेयर होल्डर्स का या जो है ट्रस्टीज का कॉन्सेंट लिया हो, उसके ऊपर जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उसका कॉन्सेंट उसको हासिल हो कि हाँ आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अब ये सारा तो डॉक्यूमेंटेशन तो देखनी पड़ेगी, और अच्छा ये आप आपने कहीं पर कहा हुआ है कि एक बड़ा अमाउंट जो है उन्होंने इन्वेस्ट भी किया था शौकत खानम का तो वो कंपनी भी बैठ गई थी, तो क्या वो भी कोई कारण? तो ये सारा कुछ डॉक्टर साहब ये उनके डॉक्यूमेंट्स बताएंगे, इलेक्शन कमीशन जो है इसी के ऊपर छानबीन कर रहा है जो कि उसको नहीं करने दी जा रही। अच्छा जब इंश्योर अकाउंट्स तक आप एक एक्सेस तरफ नहीं देंगे किसी एक तरफ को, आपने दोस्त की कंपनी में इन्वेस्ट किया उसकी इंश्योरेंस ली, यार क्या क्या घपले हो रहे हैं। अच्छा भाई टाइम काफी हो गया, फिर आप फिर ने कहना कि ज्यादा टाइम मैंने ले लिया, तो आप अगर कुछ आखिरी बात कहना चाहते हैं ख्वा शौकत खानों पर, पीटीआई पर, दहशतगर्दी पर, फ्लोर इज योर्स पर। अच्छा साहब देखिए डॉक्टर साहब, अगर मैं सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो दहशतगर्दी है, जो पाकिस्तान में भी लहर चली है और जिसकी सबको परेशानी है, इस पे काबू पाना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि
क्योंकि अगर काबू नहीं पाएंगे तो देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि बलूचिस्तान में जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट लोग सड़कों पे आम लोग निकल रहे हैं, और जैसे जो है तो बुकटी और मरी इकट्ठे हो गए, सदियों पुरानी दुश्मनी उन्होंने साइड पे रख दी और इकट्ठे हो रहे हैं और अटैक लाहौर तक पहुंच गए, जो कि पंजाब का या पाकिस्तान का दिल है, वहां तक बात पहुंच गई। ये पहली बार हुआ है कि इतनी तेजी से ये लोग पहुंचे हों, तो ये उन्होंने बता दिया कि कहां तक आपको पहुंच सकते हैं। और अगर उधर मगरिब की तरफ आप देखें तो वहां पे तालिबान, अब देखें TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगानी तालिबान, उनका बेसिक एजेंडा तो एक ही है, सोच तो एक ही है, इस्लामी रियासत। तो इसका मतलब है कि उनका पॉइंट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट अगर उनका पाकिस्तान के खिलाफ है तो उनका भी पाकिस्तान के खिलाफ होगा, अगर मसलहतन वो चुप है तो और बात है। तो दूसरी तरफ से ये इशू आ रहा है, तीसरी तरफ से कश्मीर का इशू आ रहा है, कश्मीर के हालात भी तेजी से तब्दील हो रहे हैं, दोनों साइड पे बहुत तेजी से तब्दील हो रहे हैं, अभी महसूस नहीं हो रहा लेकिन विद इन नो टाइम आप चेंजेस देखेंगे। तो ये तीनों तरफ से ऐसे मुश्किल हालात में पाकिस्तान घिर चुका है इस वक्त, तो इनको बहुत सेंसिबली ये सोचना चाहिए और पॉलिसी मेकर्स को एक 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 अच्छी लाइन और अच्छी पॉलिसी लेनी चाहिए। फॉरेन पॉलिसी तो वैसे भी वो कहते हैं ना कि आपके आपके स्मार्ट अमेरिका की पाबंद है, आपके स्मार्ट प्राइम मिनिस्टर में ये एबिलिटी है कि जो मौजूदा चैलेंजेस हैं उनके लिए कोई अप्रोप्रिएट पॉलिसी बना सके। डॉक्टर साहब सब मुझे तो कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता। अब देखें कि चाइना है, CPEC पे ये बात करने जा रहे हैं, वहां से कोई इन्विटेशन नहीं आया, कोई भी नहीं आया, तो ये खुद चले जा रहे हैं सरमाई ओलंपिक्स। CPEC पर जो लता टॉपिक है उस बात बात करेंगे, तो मेरे इसमें तो इसी पर खत्म करना चाहिए। नाज़रीन आपने डिस्कशन सुनी और अच्छा साहब के पास तो जाहिर है कि बहुत कुछ कहने को है, लेकिन हमने वादा किया था कि ज्यादा लंबा नहीं करेंगे प्रोग्राम, फिर भी थोड़ा सा लंबा हो गया, तो अब वी लीव इट एट दैट। आप ऐसा करें कि आफ्टर लिसनिंग टू द प्रोग्राम अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हैं तो वो डायरेक्ट करें एजाज प्राचा साहब के लिए, नेक्स्ट प्रोग्राम में हम उनको टैकल करने की कोशिश करेंगे। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ, एंड इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब द चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब, इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग। खुदा हाफिज़।